नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। शो में बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछे सवाल व्हाट्सएप करें 9582222666 नंबर है हमारा, साथ ही आप फेसबुक पर @ZBusinessOnline और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेज सकते हैं #BazaarAajAurKal लिखकर। और मेरे साथ कल की आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी से जानेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रेटजी, और एक और खास मेहमान का परिचय करा देते हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी स्वागत करते हैं आपका शो में। बातचीत शुरू करें उससे पहले आज का बाजार कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में निफ्टी 129 अंक गिरकर 18,000 के पास बंद हुआ तो सेंसेक्स 400 अंकों से ज्यादा फिसलकर 61,000 के पास बंद होने में रहा कामयाब। बैंक निफ्टी में 179 अंकों की गिरावट देखी गई। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं आज बाजार में कमजोरी कहां से आई और क्यों टूटे बाजार। वायदा कारोबार के हफ्ते के एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में आज दिखा दबाव, और इस दबाव की वजह थी अमेरिकी बाजार। कल वैसे तो हमारे बाजार जब बंद हुए तब डाउ फ्यूचर्स पौने 200-200 पर नीचे जरूर थे, लेकिन अमेरिकी बाजार 600 पॉइंट से ज़्यादा डाउ पर गिरेंगे इसका अंदाजा नहीं था, और इसके चलते एक कमज़ोर शुरुआत होना तय था। कमज़ोर शुरुआत होने के बाद ज़्यादातर वक्त हमने 18,000 से 18,100 की रेंज में बिताया। दिन के दौरान 18,000 के नीचे फिसले भी, लेकिन बंद होते होते मुश्किल से 18,025 के आसपास बंद होने में कामयाब रहे। बैंक निफ्टी कमज़ोर तो था लेकिन उतना बुरा नहीं। 41,600 के आसपास की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में ठीक कही जाएगी। तो कह सकते हैं कि क्लोजिंग बेसिस पर तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपने अहम सपोर्ट लेवल नहीं तोड़े, लेकिन सप्लाई जबरदस्त थी आज ब्रॉडर मार्केट में भी। कैश मार्केट के कई स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर आपको लगातार आज प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आते हुए नजर आई, तो बड़े दिनों के बाद स्क्रीन पर थोड़ी अच्छी खासी साइजेबल प्रॉफिट बुकिंग आई। थोड़ा दबाव नेचुरली वीकली एक्सपायरी का भी था, क्योंकि अब तक थोड़े से बाजार मजबूती का ट्रेंड दिखाते हुए नजर आए तो लॉन्ग पोजीशंस ट्रेडर्स की ज़्यादा थी, वो पोजीशंस भी कम होती हुई दिखी। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि आज एक अच्छा साइजेबल करेक्शन स्टॉक की प्राइसेस में दिखा। इंडेक्स में हम बड़े लेवल को होल्ड करने में कामयाब रहे। अब कल से फिर से नई वीकली सीरीज की शुरुआत होगी तो शायद बिकवाली का दबाव थोड़ा सा कम होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि 18,000 और 41,500 ये दो बड़े लेवल क्लोजिंग बेसिस पे बाजार होल्ड करने में आज भी कामयाब रहा। आइए आज के खास एक्सपर्ट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर के पास चलते। अविनाश जी कैसे लग रहे हैं आपको बाजार और आने वाले दिनों के लिए बाजार के लिए कुछ अहम क्यूज? स्वाति पहली बात तो मार्केट का जो रवैया है वो थोड़ा बहुत आज प्रॉफिट बुकिंग का था, लेकिन आज शाम को जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा यूएस मार्केट से आया है वो उम्मीद से काफी कम आ गया है। ऑलरेडी डाउ फ्यूचर्स काफी सिग्निफिकेंटली चढ़े हैं, तो मेरा मानना है कि कल के बाजार में आपको एक अच्छा उछाल यूएस मार्केट्स में तो देखने को मिलेगा ही, तो इंडियन मार्केट्स में भी आपको एक शॉर्ट टर्म बाउंस देखने को मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। होपफुली 18,000 मार्केट अगर नियर टर्म में टच करता है तो वापस तेजी का माहौल बनेगा। जैसे आपने रिजल्ट्स के बारे में बात की, मुझे लग रहा है कि मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज काफी रहेंगी। जो कंपनीज ने नतीजे अच्छे दिखाए और जहां पे वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है वहां पे निवेशकों को पोजीशन लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से इंडेक्स को लेके थोड़ी सी वोलेटिलिटी होगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रवैया कोई यूज करता है तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। ओके, बाजार पर रही अविनाश जी की राय। अब लंबी अवधि के लिए किसी को कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक की और तरफ से आपका पिक कौन सी रहेगी? स्वाति जो लॉन्ग टर्म पिक मैंने आज सेलेक्ट की है वो एक रियल एस्टेट कम बेसिकली एक एन्युटी बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है नेस्को। नेस्को से जैसे सभी को पता है कि एक मुंबई बेस्ड कंपनी है और जिन्होंने अपने रियल एस्टेट के पार्सल को बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया है। इनके पास आईटी पार्क्स है जो इनको एन्युटी रेंटल इनकम देते हैं। इनके पास बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर है, एक इंजीनियरिंग बिजनेस है। इनफैक्ट पिछले साल 340 करोड़ के कामकाजी रेवेन्यू पे इन्होंने करीबन 221 करोड़ का कामकाजी मुनाफा किया था और करीबन 189 करोड़ की प्रॉफिट कमाई थी। दूसरा क्वार्टर जो आज अनाउंस हो चुका है कंपनी का बहुत ही तगड़ा नंबर आया है। इनफैक्ट 76% से रेवेन्यू बढ़ा है, ऑलमोस्ट 100% से ऑपरेटिंग एबिटा बढ़ा है और कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी करीबन 40% से बढ़ाया है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले दो साल में इस कंपनी को कोविड के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। उनका बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर भी बंद था और बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर बहुत ही प्रॉफिटेबल है। हमको लग रहा है कि आने वाले साल में इसका जो ग्रोथ सेकंड हाफ में आएगा वो भी काफ़ी बेहतर आएगा
और एंड में यही कहूंगा कि कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, करीबन 1,000 करोड़ की कैश है, तो अभी जो अर्निंग्स ग्रोथ आने वाले साल 1.5 साल में आएगी वो काफी बढ़िया रहेगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कम से कम 800 रुपए का टारगेट प्राइस अगले 12-15 महीने में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, तो ये डेफिनेटली एक वैल्यू पिक है, तो इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। ओके, तो पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए नेस्को शामिल करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की ओर से। आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल शो में शामिल कर लेते हैं। व्हाट्सएप पर पहला सवाल हमारे पास है कोटा से राजन शर्मा का। इनके पास एक्सिस बैंक है, 350 शेयर है, 870 है इस पर इनकी खरीद, और डिस्काउंट पर OFS से हमने देखा एक्सिस बैंक 3% टूटा भी। इनकी खरीद के लिहाज से इन्हें कुछ 9,000 से ऊपर का नुकसान ये अभी झेल रहे हैं। एक्सिस बैंक में अभी फिलहाल क्या ये स्ट्रैटेजी रख सकते हैं अविनाश जी? नहीं देखिए, एक्सिस बैंक का जो आज सोटी का सेल हो गया उस कारण थोड़ा बहुत बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला, लेकिन हमको लग रहा है कि देखिए इस बैंक ने जिस प्रकार के Q2 के नंबर्स डिक्लेयर किए, प्लस जिस प्रकार का बैंकिंग का अभी सिनारियो बिल्ड हो रहा है, इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी क्रेडिट ग्रोथ को बिजनेस में कन्वर्ट किया है। मेरे ख्याल से अगर ये साल भर का नजरिया लेते हैं तो मेरे ख्याल से 1,050-1,100 का भी टारगेट पॉसिबल है, तो यहाँ पे बिल्कुल घबराइए मत। मैं निवेशक को यही कहूंगा कि कम से कम 6 to 12 months का टाइम फ्रेम रखिए, अच्छी खासी कमाई इस लेवल से भी हो सकती है। ओके, तो एक्सिस बैंक में 6 to 12 month का नजरिया रखें, ये सलाह आ रही है अविनाश जी की तरफ से। बने रहें एक्सिस बैंक पर, ये राय रही। अगला सवाल ओडिशा से मनोरंजन बेहरा का है, और इनका जो ओके हमारे साथ है भी मनोरंजन जी, स्वागत करते हैं। बताइए आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है? जैन सर, जैन मैडम, जी, स्वागत करते हैं जी। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल करेंगे? मैडम मेरा टाटा मोटर्स का 300 शेयर है 482 में, क्या करूं अभी? ओके, कब तक रख सकते हैं? 1 साल लगभग। 1 साल टाटा मोटर्स में 1 साल का नजरिया जानना चाह रहे हैं। 20,000 के नुकसान पर है टाटा मोटर्स, ने कमजोर नतीजे भी पेश किए, उसके बाद 5% टूटकर शेयर निफ्टी का टॉप लूजर भी बना। टाटा मोटर्स 1 महीने के नजरिए के माफ कीजिए 1 साल के नजरिए के हिसाब से कैसा लग रहा है आपको अविनाश जी? देखिए स्वाति, नंबर्स जो आए हैं वो अनुमान के हिसाब से आए हैं, और कंपनी ने तीसरी तिमाही के लिए भी थोड़ा सा गाइडेंस JLR के लिए कम किया है, तो नियर टर्म में स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से इनका नज़रिया अगर 1 साल का है तो मैं इनको ये सुझाव दूंगा कि टाटा मोटर्स का DVR भी मिल रहा है। DVR प्रिंसिपल शेयर से काफ़ी सस्ता है, और मुझे लग रहा है कि ये शेयर अगर वो खरीदते हैं तो DVR में इनको ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर फ्रंटलाइन शेयर बेच के ये टाटा मोटर्स के DVR खरीदते हैं तो साल भर में इनको कम से कम 20-25% की अपसाइड मिलेगी। अनुमान है कि टाटा मोटर्स के DVR में एक बायबैक भी होने की ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, तो ऐसा अगर होता है तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा रहेगा, और ऑब्वियसली 1 साल में इनको अच्छे रिटर्न्स मिलने की अपेक्षा रहेगी। ओके, तो टाटा मोटर्स की जगह टाटा मोटर्स DVR में आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। अविनाश जी आपको ये राय दे रहे हैं आपके स्टॉक पर। पुणे से मंजेश कुमार का व्हाट्सएप पर मंजेश कुमार पुणे से हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या सवाल है। मंजेश जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन सा सवाल है आपका? हेलो हेलो, जी ओके, सवाल ले लेते हैं। TCS पे सवाल इनका रहा है। 300 शेयर इनके पास है, 3,190 है इनकी खरीद इस पर। TCS पर जानना चाह रहे हैं कि क्या व्यू रखें फिलहाल ये अविनाश जी? देखिए TCS में हमको लग रहा है कि नज़रिया अगर आपका साल 1.5 साल का है तो इसमें निवेशित रहिए। एज इट इज़ इन्होंने निचले लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है, और आज मैंने ये भी न्यूज़ सुनी है कि BSNL का जो 4G का नेटवर्क है उसका पूरा काम TCS को मिला है, तो ऑर्डर बुक अच्छी है, इनफैक्ट विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन US और यूरोप से अभी भी जो हेडविंड्स है वो काफ़ी नेगेटिव है, तो हो सकता है 6-8 महीने के लिए थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले, लेकिन होपफुली अगर साल 1.5 साल का नज़रिया है तो यहाँ से अच्छा पैसा बन सकता है, तो मैं इनको होल्ड करने की राय दूंगा। चलिए, तो TCS पर ये रही राय आपके लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं, हरियाणा से सुरेंद्र कुमार हमारे साथ है। सुरेंद्र जी स्वागत करते हैं, बताइए आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है? हेलो हेलो जी सुरेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास ना डेल नेटवर्क के शेयर है मैम, 2,654 रुपये पीछे की बाइंग है मैम, तो क्या ओके कर सकते हैं?
कब तक रख सकते हैं? मैम रख सकता हूँ 1 साल में। ओके, डेन नेटवर्क्स में साल भर का नजरिया फिलहाल 48,000 के नुकसान पर है ये अविनाश जी, क्या करें? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, डेन नेटवर्क में एक मैनेजमेंट चेंज हो चुका है। अभी पूरी तरह से मैनेजमेंट कंट्रोल रिलायंस के ग्रुप के अंडर आया है, और जिस प्रकार का इनका केबल का नेटवर्क है, इनका ज़्यादातर बिजनेस केबल नेटवर्किंग का है, जिस प्रकार की इनकी बैलेंस शीट है और बिजनेस पोटेंशियल है, मेरे ख्याल से अगर ये थोड़ा सा साल भर के ऊपर रखते हैं तो डेफिनेटली अच्छी खासी कमाई होगी। मैं तो कहूंगा कि थोड़ा सा एवरेज भी कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म जरूर कर रहा है, लेकिन अगर 12 to 18 months का टाइम फ्रेम ये रखते हैं तो अच्छी खासी कमाई होगी। तो इसमें करंट प्राइस पे बिल्कुल मत बेचिए, करंटली 12 to 15 months का टाइम फ्रेम लेके इसको होल्ड करना है। नेटवर्क्स पर ये रही राय हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की तरफ से बने रहने की। व्हाट्सएप पर दिल्ली से भुवन जी सवाल पूछ रहे हैं BHEL पर। भेल 560 शेयर है, 52 है इस पर इनकी खरीद। BHEL पर जानना चाह रहे हैं कि अभी इनको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। भुवन जी को आप क्या स्ट्रैटेजी देंगे भेल पर? फिलहाल इनके लेवल्स के हिसाब से तो ये मुनाफे में है। नहीं बिल्कुल, देखिए इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है, और BHEL की जिस प्रकार का परफॉर्मेंस हमने Q2 में देखा है, ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रांग है, हमको लग रहा है कि कैपिटल गुड स्पेस में इस कंपनी ने बहुत समय के बाद एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पे करीबन 85-90 का फर्स्ट टारगेट बनता है नियर टर्म में, तो इसके टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें होल्ड करने की राय रहेगी। आप नॉट ओनली FY23 बट FY24 भी होपफुली कैपिटल गुड सेक्टर के लिए अगर अच्छा होता है तो उसमें BHEL का भी फायदा होना चाहिए, तो होल्ड करने की राय। BHEL होल्ड करने की राय आ रही है अविनाश जी की ओर से। व्हाट्सएप पर ही उज्जैन से राजेंद्र कनौजिया, टेक महिंद्रा है इनके पास। टेक महिंद्रा के 120 शेयर है, 1,000 है इस पर इनकी खरीद। टेक महिंद्रा में राजेंद्र जी जानना चाह रहे हैं कि क्या रखे फिलहाल स्ट्रैटेजी, कुछ फायदा इन्हें जरूर है अपने स्टॉक में। देखिए मुझे लग रहा है कि टेक महिंद्रा भी एक ऐसी IT कंपनी है जो 5G में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जैसे जैसे 5G रोल आउट होगा टेक महिंद्रा को डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि टेक महिंद्रा का जो मेन स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है वो टेलीकॉम सेक्टर में है। ओवरऑल इनका ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छा है, तो मेरे ख्याल से ये भी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस और टाइम फ्रेम इन्वेस्टर को लंबा रखना चाहिए। अगर 12 to 18 months का टाइम फ्रेम है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से भी अच्छा पैसा बनेगा, और यहाँ पे महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिलीवरी सारा कुछ बढ़िया है, तो यहाँ पे होल्ड करें। फिलहाल मेरे ख्याल से अंडर परफॉर्मेंस जरूर है, लेकिन साल भर में अगर ये होल्ड करते हैं तो करीबन 1,200-1,250 का भी लेवल पॉसिबल लग रहा है। ओके, टेक महिंद्रा होल्ड करें, सलाह अविनाश जी की ओर से। व्हाट्सएप पर जालंधर से गरिमा काला सवाल भेज रही हैं। बजाज फिनसर्व है इनका स्टॉक, 50 शेयर है, 1710 की इनकी खरीद है। जानना चाह रही है बजाज फिनसर्व में ये क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। जी अविनाश जी, देखिए बजाज फिनसर्व ये बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है, और बजाज फिनसर्व का जो प्राइमरी बिजनेस है वो बेसिकली उनका टर्म और लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है। दूसरी बात, बजाज फाइनेंस इनकी सब्सिडरी है, और जिस प्रकार की पोटेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमको दिख रही है, स्पेशली NBFC स्पेस में, और बजाज फाइनेंस ने जिस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखा है, हमको लग रहा है कि बजाज फिनसर्व को आने वाले 1.5-2 साल में बहुत फायदा होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे होल्ड करें, थोड़ा सा अभी स्टॉक अंडर परफॉर्म जरूर कर रहा है, लेकिन मार्केट में डेफिनेटली इस मैनेजमेंट को और इस कंपनी को काफ़ी बड़ी प्रीमियम मिल रही है, तो यहाँ पे होल्ड करें। 1.5-2 साल में बहुत अच्छा मोटा मुनाफा बनने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ओके, होल्ड करें, बजाज फिनसर्व में बहुत मौके मिलेंगे मुनाफा बनाने के आपको, हमारे आज के एक्सपर्ट की राय। व्हाट्सएप पर इंदौर से प्रथमेश साहब ITC पर सवाल कर रहे हैं। 560 शेयर है और 325 है इनकी ITC पर खरीद। जानना चाह रहे हैं कि ITC में क्या अभी मौके हैं और अभी फिलहाल इन्हें मुनाफा भी अच्छा, क्या करें? देखिए ITC एक ऐसी कंपनी है जो पूरे बाजार में आउट परफॉर्मेंस दिखा चुकी है, और अभी सारे लोग साल 1.5 साल पहले अगर इस शेयर की प्राइस देखे तो यहाँ पे ITC करीबन 180-190 चलता था, तो इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री जरूर की है, लेकिन थोड़ा सा समय यहाँ पे स्पेंड करना जरूरी है। इनका नॉट ओनली होटल का बिजनेस, सिगरेट का बिजनेस, पेपर का बिजनेस, सारे बिजनेसेस बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ये कम से कम 12-15 महीने का व्यू लेते हैं तो करीबन 400 रुपये का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो यहाँ पे होल्ड करिए, डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं।
ओके, होल्ड करें, 12 से 15 महीने का व्यू रखें। आईटीसी में आपके लिए सलाह। गुजरात से शिवाजी करले हमारे साथ हैं। शिवाजी, बहुत स्वागत करते हैं आपका, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है। जी मैम, मेरा आईआरसीटीसी में सवाल था मेरा। मेरे पास 455 शेयर है 750 के भाव से, तो इसमें क्या राय जानना चाहते हैं। ओके, कुछ नुकसान है आपको, आप कब तक होल्ड कर सकते हैं। मैंने 2 साल के लिए लिया मैडम। अच्छा, 2 साल के लिए इन्होंने आईआरसीटीसी लिया हुआ है। ओके, बताइए अविनाश जी। देखिए, आईआरसीटीसी अभी जो कोविड हो गया था उसमें इनको काफी नुकसान हो गया, लेकिन अभी वापस सारा नॉर्मल सी आ चुकी है। और आईआरसीटीसी बेसिकली एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म बिजनेस है, और ये बिजनेस इनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। इनका सबसे ज्यादा बिजनेस इंटरनेट टिकटिंग से आता है, और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी ग्रोथ इकोनॉमी में हो रहा है, यू नो, ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी अभी वापस नॉर्मलसी पे आ रही है, तो आईआरसीटीसी को डेफिनेटली काफी फायदा होगा। इनफैक्ट ये अभी बजट होटल्स में भी एंटर करने वाले हैं, तो अगर इनका नजरिया यू नो कम से कम 2 साल का है, तो मुझे लग रहा है कि इनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमको लग रहा है कि वापस करीबन 1300-1400 का एक नियर टर्म का टारगेट यहाँ पे बनेगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करे वही अच्छा रहता है। ओके, आईआरसीटीसी बने रहें, आपके लिए सुझाव अविनाश गोरक्षकर की ओर से। आइए अब जान लेते हैं कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रेटजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 75 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन हाँ, बाजारों में जोश नहीं था डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए भी। उसकी वजह यह कि कल की तेज गिरावट को आज हमें थोड़ा एडजस्ट करना ही था। रुपया भी आज थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन हाँ, अब कल के लिए चूंकि वीकली सीरीज खत्म हो चुकी है तो कल पोजीशंस कम होगी। सपोर्ट जो मिलेगा बाजार को नीचे की तरफ वो होगा 17,825 से 17,900। ये मजबूत सपोर्ट रेंज है, अगर हमने 17,950 को तोड़ा तो, नहीं तोड़ा तो बहुत अच्छी बात है। और ऊपर की तरफ 18,175 ये रेंज होगी जहाँ पर जाकर बाजार अटकते रुकते नजर आएंगे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 41,600 के आसपास की क्लोजिंग बिल्कुल भी बुरी नहीं है। सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए 41,200 से 41,400 की रेंज में रहेगा, और ऊपर 41,850 से 41,950 की रेंज में मुनाफा वसूली आने की संभावना है। नतीजों का सीजन फुल फ्लेज जोरों पर चल रहा है, और ऐसे में कल भी वायदा कारोबार के ढेर सारे और कैश मार्केट के स्टॉक्स का स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप नतीजों के दम पर जरूर देखेंगे। अब कल के ऑप्शन स्ट्रेटजी देखते हैं। कल का ऑप्शन में चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत करते हैं, बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बन रहे हैं। नमस्कार साथी, गुड इवनिंग। कल ऑप्शन के जरिए 2 स्टॉक है मेरे पास, दोनों स्टॉक तेजी के हैं और अभी भी ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, तो ये सपोर्ट करने चाहिए। तो पहला जो स्टॉक है वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में मेरे को 560 का कॉल 17 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। इसके अंदर 13 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाए, और ऊपर में 24 रुपए से लेकर 28 रुपए तक के टारगेट अंबुजा सीमेंट के 560 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक सिप्ला। सिप्ला का 1130 का कॉल 21 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 17 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए, और ऊपर में टारगेट 28 रुपए से लेके 32 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ये 2 स्ट्रेटेजी कल के लिए रहेगी। ओके, धन्यवाद सुमित कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी बताने के लिए। और अविनाश जी, हफ्ते भर का नजरिया किसी का हो तो पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह आपकी ओर से। स्वाति, पोजिशनल वीक अगर रखना है तो हमको आईटीसी पसंद है। आईटीसी ने आज 355 की क्लोजिंग दी है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके करीबन 370 का टारगेट प्राइस आपको 8 से 10 दिन में मिलेगा। मेरे ख्याल से नतीजे अच्छे हैं, वैल्यूएशन अच्छे हैं, तो डेफिनेटली इवन शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म व्यू पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो पोजिशनल ट्रेड आईटीसी में रखने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की ओर से। बहुत धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ शो में शामिल हुए।